औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। लैंड्स ऑफ पाकिस्तान के मोजिज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। मानसेरा में लारियाडा के करीब 12.5 मल्ला का इंतहाई खूबसूरत किस्म का ट्रिपल स्टोरी मकान बराए फरोख्त है। आउटलुक इसकी आप देखें और बेहतरीन किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन है। रोड जो इसका तकरीबन 12 से 14 फुट चौड़ा रोड है, और मेन रोड से इसका अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो मेन रोड से मैक्सिमम जो है 1 मिनट की वॉक है। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पर वाक़ है जी। ग्रॉसरी स्टोर्स, ट्रांसपोर्ट और किसी भी किस्म की जो भी बुनियादी ज़रूरियात होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वो आपको यहाँ पर मुयस्सर हैं। मेडिकल स्टोर, स्कूल्स, ईच एंड एवरी थिंग जो है इस एरिया में अवेलेबल है। इंतहाई परफेक्ट किस्म की लोकेशन है रिहाइश के लिए, और ज़बरदस्त किस्म का इलाका है, आबाद सा इलाका है, ये नहीं है कि वीरान है। प्लस ये कि एक और चीज़ ये मैं मेंशन करना चाहूँगा, इसके सराउंडिंग एरिया में जो घर वगैरह बने हुए हैं वो भी इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के हाउसेज हैं, और खुले से कुशादा से घर हैं, तो बेहतरीन सी लोकेशन है रिहाइश के लिए। तो जैसे इस घर में आते हैं जी, तो ये मैंने ग्राउंड फ्लोर की वीडियो नहीं बनाई, ये फ़िलहाल फर्स्ट फ्लोर जो है तो उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। उसके बाद आपको टोटल जितना भी घर है ग्राउंड फ्लोर की भी आपको मैं वीडियो वगैरह मैं शेयर कर दूंगा। घर की डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं कि तकरीबन 13.5 मल्ले टोटल बनता है जी। 1 मल्ला जो है वो बाय रोड में 12.5 मल्ला पर कंस्ट्रक्शन की गई है। घर में जो मैक्सिमम जो रूम्स वगैरह हैं तो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 8 से 9 रूम्स हैं, प्लस 8 से 9 वाशरूम्स भी इस घर में मौजूद हैं। हर फ्लोर पे किचन दिया गया है, प्लस ये है कि किचन के साथ एक्स्ट्रा जो एरिया दिया गया है जहाँ पे आप बर्तन वगैरह या स्पाइसेस या किसी भी किस्म की किचन से रिलेटेड जो भी स्टाफ है आप यहाँ पे रख सकते हैं। इसके फ्लोर्स के काम, सीलिंग्स वगैरह और वॉल्स वगैरह के काम जो भी हैं परफेक्टली किए गए हैं जी। तो किसी भी किस्म का ये मसला नहीं है कि रोशनी का मसला हो या कंजेस्टेड रूम्स हो या कुछ भी, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इसकी कंस्ट्रक्शन है। तीन फ्लोर्स पे जहाँ भी रूम्स हैं उनके साथ अटैच बाथ प्लस किचन प्लस जो आउटडोर एरिया कुछ ना कुछ बरामदा वगैरह जो है छोड़ा गया है, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये लोकेशन है जी। और कंस्ट्रक्शन वाइज जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो भी ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल यूज़ किया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी जो कंस्ट्रक्शन की गई है वो तकरीबन 2015 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी। जो ग्राउंड फ्लोर की बुनियादें रखी हैं वो 2015 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गई है, और बाकी 2 फ्लोर जो हैं तो वो बाद में बने हैं। तो इसकी मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है जी वो तकरीबन 6 से 7 साल है। तो इतना मतलब ओल्ड घर नहीं है कि जिसमें कहें कि बहुत पुरानी किस्म की कंस्ट्रक्शन है, ये बोसीदा किस्म की कंस्ट्रक्शन होगी। मटेरियल इसमें ज़बरदस्त किस्म का यूज़ करके इसको प्रॉपर तरीके से रहने के लिए बनाया गया है। जो ओनर्स हैं वो ऑलरेडी इसमें रह रहे हैं जी, और अभी वो मूव आउट हो रहे हैं कि ये 2 भाई हैं तो वो अभी अपने लिए सेपरेट जो है हाउसेस कर रहे हैं कि उनकी फैमिलीज एक्सटेंड हो गई, तो अभी यह कि ये अपने लिए जो है तो सेपरेट जिस तरह वो प्रॉपर्टीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो उस चक्कर में ये इसको सेल कर रहे हैं। तो ये आप देखें कि ये एक और फ्लोर है जो ऊपर 3rd फ्लोर है, उसके किचन्स वगैरह प्लस ये उसके साथ रूम्स वगैरह थे। बिल्कुल जब आप टॉप पे चले जाते हैं तो ये टॉप पर आपको पानी की टंकियाँ वगैरह यहाँ पे मिलेंगी आपको, उसके साथ ही गीज़र वगैरह या एक छोटा सा जो स्टोर रूम है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी आपकी घर की एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें हैं तो वो आप ऊपर रख सकते हैं। तो ये आप आउटडोर व्यू भी चेक करें, स्ट्रीट वगैरह भी जो है तो ये स्ट्रीट लग रही है, और रोड से जो है तो मेन रोड से तकरीबन 1 मिनट की वॉक है। अब ये जो नीचे की वीडियो है, ये जो व्यू जो भी आप चेक कर रहे हैं, ये ग्राउंड फ्लोर जो है तो उसके जैसे ही आप घर में आते हैं मेन डोर के साथ आपको कार पोर्च मिलेगा। कंस्ट्रक्शन वाइज इसकी जो वॉल्स का डेकोरेशन वगैरह या जो भी है तो ये भी आप देख सकते हैं। तो घर में एंटर होने से साइड पे जब आप जाते हैं तो ये गैलरी में से होते हुए आप ये पीछे वाली साइड पर जब आते हैं तो तकरीबन 3 से 4 मल्ला पर या 5 मल्ला पर जो है तो लान वगैरह बरामदा वगैरह भी जो है तो इस घर को दिया गया है जी। और उसके साथ ही जो बाकी इस तरफ जब आएँ तो रूम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक रूम के साथ जो है तो अटैच बाथ्स हैं, वाशरूम्स वगैरह का इशू नहीं है कि 8 से 9 वाशरूम्स किसी भी घर में बहुत बड़ी चीज़ होती है। और तकरीबन रूम्स जो हैं तो उनके साथ जो है अटैच बाथ्स हैं। रूम्स वगैरह में ये अलमारियाँ वगैरह देख लें, और इनके सीलिंग्स वगैरह के काम जो हैं तो ये आप चेक कर सकते हैं। तकरीबन डिफरेंट डिज़ाइन हैं, हर एक रूम का जो स्टाइल किया गया वो डिफरेंट सा डिज़ाइन बनाया गया है। वाशरूम्स जो है काफ़ी कुशादा किस्म के वाशरूम्स हैं, और उनके डिज़ाइन वगैरह भी और टाइल मार्बल का जो भी काम है वो मुख्तलिफ से किया गया है जी। इस घर में 2 बिजली के 2 मीटर हैं, गैस के 2 मीटर हैं, पानी की जो यहाँ पे वो पानी का जो सिस्टम किया गया है जी वो यहाँ पर बोरिंग है।
बोरिंग सिस्टम है, और उसके अलावा जो कनेक्शन है हर एक फ्लोर पे जो है तो वो अलग से दिए गए हैं, तो हर एक घर के लिए जिस तरह पानी की ज़रूरत है तो वो सेपरेटली हो सकती है। रेंटिंग के बारे में अगर बात करें तो इन्होंने रेंट आउट किया हुआ था ये घर, तो इसका जो रेंट आ रहा था वो तकरीबन 50 to 60,000 पर मंथ जो है तो इसका रेंट भी आ रहा था। इस एरिया में जो इसकी प्रॉपर्टी की जो रेट्स वगैरह जो जा रहे हैं, कीमत जो जा रही है, तो यहाँ पर तकरीबन 8 लाख रुपया मरला जा रहा है। तो कोई भी बंदा जो इसको परचेज करना चाहे वो बग़ैर किसी बात के झिझक के वो जाएं, वो इसकी वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो वो लगवा सकते हैं, जो भी इससे लैंड्स वगैरह की जो वैल्यूएशन के से रिलेटेड जितने भी अदारे हैं आप उनसे बात करके आप इसकी वैल्यूएशन लगा सकते हैं जी। तो मटेरियल वाइज भी और हर एक चीज़ जो है तो आप इसका पता करवाएं। तो इसका जो मार्केट रेट है वो तकरीबन 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 60 लाख रुपए तक तकरीबन इसकी जो मार्केट वैल्यू है। ओनर जो इसको सेल कर रहे हैं जी वो इसको तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख रुपए उनकी डिमांड है। जो भी इसमें इंटरेस्टेड हो, जो भी पार्टी इसको लेना चाहें, इसको विज़िट करना चाहें, वो विज़िट कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट ओनर के साथ भी बिठा दिया जाएगा और आपने जितनी भी बारगेन करनी हो वो आप जो है तो डायरेक्ट ओनर के साथ कर सकते हैं। डिमांड 2 करोड़ 30 लाख रुपए है, तो आप इसमें मज़ीद जो भी है बारगेन वगैरह करना चाहें तो ये आपका हक़ बनता है, और अल्लाह करे कि वही चीज़ आपको जो है वो 2 करोड़ 30 लाख रुपये जो है डिमांड करें वो आपको 1.5 करोड़ में दे दें, 2 में दे दें, जितने में भी वो आप तक है। तो ये कि आपको हम लोग डायरेक्ट जो भी ओनर है ओनर के साथ बैठा देंगे। सब दोस्तों से गुजारिश है कि जो भी दोस्त इसमें इंटरेस्टेड हों, इस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हों, वो मेरे दिए गए नंबर पर मुझसे रब्ता करें, और हो सके तो मेरी वीडियोज़ को भी आगे फारवर्ड कर दिया करें। बहुत बहुत शुक्रिया जी।